है, बस जानना है इसके बारे में आपको होता क्या है। सेट्स ऑन कर दिए क्या ये वाला रिकॉर्डिंग? चलो भाई लिखो, पहला लाइन पहले नोट करो, पहले सेट का डेफिनेशन लिखो। इट इज अ वेल डिफाइंड, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स फुल स्टॉप, जनरली डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी एक्स वाई एट्सेट्रा, जनरली डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जनरली डिनोटेड बाई ए बी सी एक्स वाई, कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, सुनते जाओ थोड़ी देर, कहानी कहानी है आज तो, बस सुनना है और लिखना है। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, इसमें लिखो एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, इसमें लिखे दिज आर जनरली डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, दिज आर जनरली डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट, यानी कि सेट का जो एलिमेंट है उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं जनरली, और जो सेट है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या वीडियो पॉज हो गया? बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, ऐसे ही ब्लर हो जाए जिंदगी तो कितना अच्छा होता। वही तो, मुझे पढ़ाना भी तो नहीं पड़ता। एलिमेंट्स ऑफ सेट को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मान लो जैसे ए एक सेट है, ए कोई सेट है, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ कुछ भी बोल लो, नेचुरल नंबर्स, सपोज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि इसके अंदर क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक, तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? इसके एलिमेंट्स में आ जाएंगे हमारे सामने 1 2 3 4, ये सारे इसके एलिमेंट हैं। तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू वाला एक सिंबल बताया था, जैसे वन इसका एलिमेंट है तो मैं लिखूंगा वन बिलोंग्स टू, ये वाला सिंबल याद है ना, वन बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि वन इज एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब यही है कि वन इज एलिमेंट ऑफ ए, दोनों सेम ही चीज़ है, एलिमेंट ऑफ सेट ए। वैसे ही टू बिलोंग्स टू सेट ए, थ्री बिलोंग्स टू सेट ए, बिलोंग्स टू ए। अब किसी ने बोला कि जीरो, क्या जीरो इस सेट का एलिमेंट है? क्या सेट ए का एलिमेंट जीरो होगा? क्या नहीं होगा, जीरो इज नॉट नेचुरल नंबर। तो हम इसको लिखते हैं जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, इसको पढ़ेंगे जीरो डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। तो जो उसका एलिमेंट है उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं ये वाला सिंबल बिलोंग्स टू, ठीक, और जो सिंबल जो एलिमेंट नहीं है डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, ये सब लिखते जाओ जो जो बोर्ड पे लिख रहा हूं, आज बस कहानी है बच्चों आज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, एक सेट को जनरली दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सबसे पहला मेथड है इसका टेबुलेशन मेथड, टेबुलेशन और रोस्टर मेथड के नाम से भी जाना जाता है, टेबुलेशन और रोस्टर मेथड। सबसे पहला लिखो टेबुलेशन और रोस्टर मेथड।
इसमें क्या करते हैं बच्चों, किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसके एलिमेंट्स को हम कोमा से सेपरेट करके लिखते हैं, कोमा, वो मरने वाला कोमा नहीं, कोमा, ठीक है। इसमें एक लाइन लिख लो सबसे पहले आप, टेबुलेशन और रोस्टर मेथड में लिखो, इन दिस मेथड वी यूज कर्ली ब्रैकेट in which elements of set are separated by comma. In this method we use curly bracket in which elements of the set are separated by commas. ऐसे लिख सकते हो, elements of the set are separated by commas. जैसे किसी ने बोला A, एक set है, set of vowels. तो वॉवेल कौन कौन होता है बच्चे, ए ई आई ओ यू, तो सेट ए को हम कैसे लिखेंगे इस मेथड में, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, ये बन गया। इसको बोलते हैं बच्चों टेबुलेशन या फिर रोस्टर मेथड, यानी कि किसी भी सेट के आगे हम एलिमेंट्स को कोमा लगा के कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। जैसे किसी ने बोला बी एक सेट है, ठीक है, सपोज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन टेन, बी एक सेट है, बोला दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन टेन, तो बी के अंदर आ जाएगा बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 10 भी आएगा क्या, नहीं, 10 से छोटा चाहिए, तो ये आ गया तुम्हारा सेट बी। तो इस तरह से हम इस वाले मेथड में, और सबसे ज्यादा हम इसी को यूज करते हैं। इसमें खास बात क्या है बच्चों, इसमें खास बात यह है कि कोई भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता है। सबसे पहली बात दिमाग में रखना है कि कोई भी एलिमेंट को हम दो बार नहीं लिखते हैं, समझ में आ रहा है। अगर किसी ने इसको ऐसे लिखने की कोशिश की 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा लिख दिया, और उसने बोला कि इस सेट के अंदर एलिमेंट कितना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एलिमेंट है, तो गलत है। इसके अंदर भी उतना ही एलिमेंट है जितना इसके अंदर है, यानी कि ये जो है ये भी वही है, तो रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा ख्याल रखें इस मेथड में सेट के अंदर एलिमेंट्स को कभी भी रिपीट नहीं किया जाता है, ठीक है। नीचे नोट डाल के ये बात लिख लो, मैं लिखाई देता हूँ, भूल जाओगे वरना तुम, नोट डाल के पहले इसको लिख लो, फिर नोट डाल के लिखो। नोट डाल के लिखें, पहला पॉइंट देके लिखो, एन एलिमेंट ऑफ सेट इज नॉट रिटन मोर देन वंस, एन एलिमेंट ऑफ सेट इज नॉट रिटन मोर देन वंस, एन एलिमेंट ऑफ सेट इज नॉट रिटन मोर देन वंस, लिख लिए, An element of set is not written more than once. Point number two, note के अंदर ही, second point में। अच्छा, एक और बात का ख्याल रखना है कि order इधर उधर हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि कोई बोले कि इसके अंदर लिखा है 1, 2, 3, और किसी ने बोला कहीं पे लिखा हुआ है 3, 2, 1, कहीं पे लिखा हुआ है 2, 1, 3, तो ये तीनों का तीनों सेम ही है बच्चों, समझ रहे हो। ऑर्डर यानी कि एलिमेंट को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तीनों सेम सेट है। तो सेकेंड पॉइंट में ये लिख लो, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 3, ऑल रिप्रेजेंट द सेम सेट, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर, ऑल रिप्रेजेंट द सेम सेट, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। यानी कि किसी को आगे लिखा जाए किसी को पीछे लिखा जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हो बात को। अरे हाँ ना बोलते रहना, बीच में पता लगेगा सो गए तुम लोग। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर, कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऐसा भी लिख सकते हो, लैंग्वेज तुम्हारे हाथ में है। उसके बाद दूसरा मेथड बच्चों, सेकेंड मेथड,
इसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। इसमें हम लोग पूरे एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसमें क्या है, जितना एलिमेंट्स होता है सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं हम कोमा से सेपरेट करके। इसमें हम कोशिश करते हैं कि इन सब के बदले कोई एक वेरिएबल ले लें और उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी लिख दें जो जिससे पता लग जाए कि अच्छा ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसमें लिखो पहले एक लाइन, हियर हियर वी यूज वन वेरिएबल, हियर वी यूज वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, वन वेरिएबल एंड वी राइट इट्स प्रॉपर्टी, एंड वी राइट इट्स प्रॉपर्टी, वी राइट इट्स प्रॉपर्टी विच कैन डिफाइंड ऑल द एलिमेंट्स, विच कैन डिफाइन ऑल द एलिमेंट्स। हियर वी राइट वन वेरिएबल एंड इट्स प्रॉपर्टी विच डिफाइंस ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स। जैसे किसी ने बोला सर समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हो, जैसे किसी ने बोला कि एक सेट है सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स, तो इसको अगर रोस्टर मेथड में लिखा जाए तो हम लिखने वाले थे ए ई आई ओ यू, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम सेट बिल्डर मेथड में लिखते तो देखो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल करली ब्रैकेट, एक वेरिएबल लिया, उसके बाद ये सच दैट एक्स, सच दैट एक्स हैज प्रॉपर्टी कुछ है, ठीक है। एक्स क्या प्रॉपर्टी है, एक्स इज अ वॉवेल। ऐसा लिखने से भी देखो इसका मतलब भी सेम ही है। इमेजिन करके देखो, हमने लिख दिया एक्स एक एलिमेंट है, या फिर जैसे भी सोचो, मतलब एक्स इज वॉवेल या फिर एक्स ए आई ओ यू में से है, तुम्हारी मर्जी के ऊपर है। इसका मतलब भी वही है जो मतलब तुम्हारा इसका होगा। अगर इसको सेट बिल्डर मेथड में लिखा जाए तो इसका मतलब वही निकल के आएगा, ए ई आई ओ यू की बात की जा रही है। अगर किसी ने बोला कि एक सेट है सपोज बी, बी बोला कि सेट ऑफ, ये वाला इसकी बात करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, लेस देन 10। अब इसको हमने रोस्टर मेथड में लिखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इसको सेट बिल्डर मेथड में लिखना है तो क्या लिखूं बच्चों, एक एक्स सच दैट, अब एक्स का प्रॉपर्टी लिखना है, क्या प्रॉपर्टी लिख दो एक्स का, x belongs to natural number, x less than 10, खत्म कहानी। इसका मतलब भी वही है जो ये था, सेम चीज है दोनों। क्या इसका मतलब सेम नहीं निकलेगा, x natural number है और x का वैल्यू 10 से छोटा है, मतलब क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, खत्म। अरे समझ में आ रहा है? तो हम सेट बिल्डर मेथड में पूरे एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, एक वेरिएबल x ले लेते हैं और उसका प्रॉपर्टी लिख देते हैं जिससे पता लग जाए कि अच्छा ये किसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। जैसे एक सेट है सी, फॉर एग्जांपल सी, इसने बोल दिया कि दिस इज सेट ऑफ, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स बिटवीन, बिटवीन 2 and 51, ऐसा लिखना होता तो सोचो अगर मैं इसको सेट रोस्टर मेथड में लिखना चाहूं, टेबुलेशन मेथड में, तो मुझे बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कहां तक लिखना पड़ेगा, 50 तक जाना पड़ेगा लेके कहानी। तो हम उससे क्यों लिखें, हम क्यों ना इसको लिख लें सेट बिल्डर मेथड में, क्या लिख लें x सच दैट। अब प्रॉपर्टी अपने हिसाब से बनाना है भाई, तुमको दिमाग लगाना है कि अच्छा क्या है, x जो है एक इंटीजर है और 2 और 51 के बीच में लाई कर रहा है, अब तुम्हारी मर्जी है कैसे लिखते हो। सबसे पहले तो लिख दिया x एक इंटीजर है और साथ में क्या लिख दो, एंड एंड 2 लेस देन x लेस देन 51, बताओ क्या इसका मतलब भी यही नहीं निकलेगा, x एक इंटीजर है और x का वैल्यू 2 और 51 के बीच में लाई कर रहा है, खत्म कहानी। तो हमें उतना सारा एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, लिखते जाए। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चे, नहीं नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम चाहो तो यहां भी एंड ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ये लो अब, ठीक है।
हम x का प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉपर्टी तुमको इस तरह से लिखना है बस क्लियर हो जाए कि x क्या बोलना चाह रहा है, वो x का वैल्यू क्या होगा। हेडिंग लगाओ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। अच्छा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट से पहले एक चीज लिख लो, कार्डिनल नंबर। एक मिनट रुक जाओ, ये पहले लिखो कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, कार्डिनल नंबर का मतलब बच्चे उस सेट में कितना एलिमेंट है, समझ रहे हो बात को, उसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। लिखो लेट ए इज एनी सेट देन, लेट ए इज एनी सेट देन इट्स कार्डिनल नंबर इज डिनोटेड बाय एन ब्रैकेट में ए। लेट ए इज एनी सेट देन इट्स कार्डिनल नंबर इज डिनोटेड बाय एन ऑफ ए, पढ़ते हैं इसको एन ऑफ ए, एन ब्रैकेट में वो सेट विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट ए। लेट ए इज एनी सेट देन इट्स कार्डिनल नंबर इज डिनोटेड बाय एन ऑफ ए विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट ए, विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट ए, विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट ए। समझ गए बात। जैसे एक सेट दिया ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, बोलेगा कि इसका कार्डिनल नंबर बताओ, यानी कि एन ऑफ ए का वैल्यू कितना होगा 5। किसी ने बोला कि एक सेट है बी, ठीक है, ऐसा इस तरह से लिख दिया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो बताओ इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा। कोमा में नहीं जाएं, 1 या 2। अरे 1 क्यों, 2 होगा ना यार, एक्स स्क्वायर माइनस 1 0, तो x का वैल्यू क्या, इसको सॉल्व करो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू कितना प्लस माइनस 1, तो x का दो रियल वैल्यू निकल के आ रहा है। तो अगर कोई बोलता है कि इसका कार्डिनल नंबर कितना है तो क्या बोलोगे, 2। अगर किसी ने बोला फॉर एग्जाम्पल एक सेट है c, x सच दैट, ऐसा दे दिया कि x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड ऐसा कुछ दे दिया 2 less than x less than 20, ये, और तुमसे बोले कि इसका कार्डिनल नंबर कितना है, बताओ। तो कितना 17, 18, 19, 20, 17, तू से 20 के बीच में 17 इंटीजर से। तो कार्डिनल नंबर का मतलब बिल्कुल सिंपल, उस स्टेट में कितना एलिमेंट है, बस इससे बात हो रही है। लिखते जाओ और इसके बाद हेडिंग लगाओगे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, इसमें सबसे पहला नल सेट, या फिर इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं कुछ लोग वॉइड सेट भी बोलते हैं, नाम ही बता रहा है। नल सेट में कितना एलिमेंट होगा बच्चों, 0। लिखो अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, नल सेट में लिखें अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल सेट, इट इज डिनोटेड बाय फाई और करली ब्रैकेट, उसके अंदर कुछ नहीं, ये दोनों इसका सिंबल है, या तो फाई से डिनोट करते हैं या फिर करली ब्रैकेट, उसके अंदर कुछ नहीं हो, हवा हो सिर्फ। इट इज डिनोटेड बाय फाई और करली ब्रैकेट, अंदर कुछ भी नहीं। कोई बोले कि ये क्या है, ये नल सेट है क्या, नहीं यस, इसका तो एलिमेंट 5 हो गया, दिस इज नॉट नल सेट, लिख लेना दिस इज नॉट नल सेट। ये क्या है इसके बारे में बाद में बताऊंगा, थोड़ी देर बाद, ये कुछ अच्छा चीज है,
लेकिन ये क्या है, नल सेट नहीं है, इतना याद रखना। नल सेट मतलब या तो फाई या तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं। जैसे नल सेट का कोई बोले एग्जांपल बताओ सर, कुछ कुछ बढ़िया एग्जांपल दे दो। ये देखो, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये देखो मतलब निकालो इसका, एक्स जो है वो रियल नंबर है और किसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। बताओ जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो से कोई रियल नंबर निकल के आ सकता है क्या? एक्स स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, स्क्वायर क्वांटिटी कभी माइनस वन होता है क्या? नहीं। यानी कि यहां से एक्स कोई रियल नंबर नहीं आएगा, यानी कि ये जो सेट है कैसा सेट है, ये नल सेट है, इसका कोई भी एलिमेंट नहीं है। या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, दोनों बात बराबर है। समझ में आ रहा है बात? पावर सेट, बहुत अच्छे बच्चे, आ रहे थोड़ी देर बाद आ रहे हैं, बाकी लोग कंफ्यूज मत हो। पावर सेट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, यूनिट सेट। सेकंड पॉइंट में यूनिट सेट, या फिर इसको सिंगल टन के नाम से भी जानते हैं। सिंगल सेट है ये, सिंगल मतलब जिसका एक ही एलिमेंट हो। लिख लो, सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज यूनिट सेट। सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, हो गया बच्चों? एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे बोल दिया ए इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एंड एक्स 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 एक्स, ऐसा ले लो, थ्री लेस देन एक्स लेस देन, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर थ्री लेस देन एक्स लेस देन फाइव। देखो इसका मतलब निकालो, एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है? सिर्फ फोर हो सकता है, यानी कि ए जो है एक ऐसा सेट है जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट है, फोर। तो इसको हम यूनिट सेट या फिर सिंगलटन सेट के नाम से जानेंगे, यानी कि जिसमें एक ही एलिमेंट हो। बहुत सिंपल सी बात है। पॉइंट नंबर थ्री लगाओ, हेडिंग सबसेट। सबसेट बोलूं, लिखो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, देन सेट ए इज कॉल्ड the subset of set B. If every element of set A are also the elements of set B, then set A is called subset of set B and it is denoted by A, ऐसे C बनाते हैं, नीचे एक लाइन खींच देते हैं B. This is symbol of A is subset of B. It is denoted by A, ये वाला symbol, A is subset of B. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मतलब ये है कि जैसे ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3 और बी के एलिमेंट है बच्चों 2, 3, 4, 5, 6, 1, तो जरा देखो क्या ए का सारा एलिमेंट बी में भी है? तो हम बोलेंगे कि ए जो है वो बी, ब्लर हो गया क्या? ठीक है, ठीक है बच्चे, हाँ। तो अगर ए का सारा एलिमेंट बी में भी हो तो हम बोलते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन ध्यान से देखो, क्या बी का सारा एलिमेंट ए में है क्या? नहीं, तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो ये सिंबल हो जाएगा, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ये जो फाई था बच्चे, फाई जिसको हमने नल सेट बोला था, वो हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है?
तो नीचे नोट डाल के लिख लो ये बात, पहला पॉइंट में फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई मतलब हवा, जहां कुछ नहीं है वहां हवा जरूर है, सो फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सेकेंड पॉइंट में लिखें, हर सेट जो होता है वो अपने आप का सबसेट होता ही है, ए ए का सबसेट है, बी बी का सबसेट है, तो लिख लो ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब ध्यान से देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यही वाला एग्जांपल ले ले, ए इक्वल टू मान लो तुम्हारे सामने दिया है 1 2 3, बोले कि इसके सारे सबसेट्स लिखो, ऑल सबसेट, इसका क्या क्या होगा है? सबसे पहले तो बच्चों फाई, दूसरा एक सेट आ जाए जिसमें सिर्फ वन हो, एक सेट आ जाए जिसमें सिर्फ टू हो, एक सेट आ जाए जिसमें सिर्फ थ्री हो, एक सेट आ जाए बच्चों जिसमें 1 2 हो, एक सेट आ जाए जिसमें 2 3 हो, एक सेट आ जाए जिसमें 1 3 हो, और एक खुद तो है ही 1 2 3। क्या ये सारे इसके सबसेट हैं? चेक करके देखो। तो देखो सेट के अंदर तीन एलिमेंट था, तो कितने सबसेट मिले जरा काउंट करो, तो 8 या 9, अबे 8 या 9, 8। तो नंबर ऑफ सबसेट्स निकल के आया 8, कब? जब इसके अंदर एलिमेंट्स थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे 3, कितने थे 3। तो बच्चे एक यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है, बहुत बढ़िया, क्या फॉर्मूला सर? अगर ए कोई सेट है, एनी सेट, क्या ब्लर हो रहा है क्या फिर से? और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर एन हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू एन, यानी कि कार्डिनल नंबर, देन नंबर ऑफ सबसेट्स जो होगा इसका, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 to the power n। तो अगर 3 एलिमेंट हो तो 2 to the power 3, 4 एलिमेंट हो तो 2 to the power 4। किसी ने बोला किसी सेट में 10 एलिमेंट है, तो उसका सबसेट कितना आएगा निकल के? 1024। यस, तो इतने सारे सबसेट्स उसके पॉसिबल होते हैं। नोट करते जाएं, सिंपल सिंपल चीजें हैं, बस थोड़ा थोड़ा समझते जाओ, लिखते जाओ, बाकी कुछ खास नहीं है। पहले ही बोला मैंने, राम कहानी है ये, रामायण के जैसा, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, खत्म कहानी। हो गया, अरमान यहां भी है क्या? तू कोई क्लास नहीं छोड़ता ना, आमिर खान जैसा बन गया ये, 3 इडियट में नहीं बोलता है कि हर जगह ज्ञान बट रहा है, जो क्लास में मौका मिले उस क्लास में घुस जाओ, वही हो गया ये। ड्रॉपर में भी दिखता है, क्रैश कोर्स में भी दिख रहा है, 12th में भी दिख रहा है, 11th में भी दिख रहा है। अच्छा हुआ 8 9 नहीं पढ़ा रहा हूं, ड्रॉपर अभी शुरू ही नहीं हुआ है। चलो भाई अगला हेडिंग लगाओ, नेक्स्ट पॉइंट डाल के, पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट देखो सुनने में लग रहा है कुछ पावर वावर होगा, एनर्जी वेनर्जी होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बकवास चीज है। किसी सेट का जितना सबसेट होता है ना बच्चों, इन सबको एक नया सेट में डाल दो, यानी कि इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दो सारे सबसेट को, तो जो नया वाला सेट मिला बड़ा वाला, उसको बोलते हैं उस गिवन सेट का पावर सेट। समझ में आ गया? किसी सेट का जितना सबसेट है, इन सबको एक नया सेट के अंदर डाल दो बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट लगा के, तो जो बड़ा वाला सेट बना दैट इज नोन एज पावर सेट ऑफ द गिवन सेट। समझ में आ गया? अरे हाँ ना बोलो यार, बाकी लोग सो गए क्या? वापस समझा देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है।
पावर सेट का मतलब बच्चे किसी सेट का जितना सबसेट आया इन सबको एक नए सेट के अंदर डाल दो एक कर्ली ब्रैकेट लगा के, तो जो नया बड़ा वाला सेट मिलेगा दैट इज नोन एज पावर सेट ऑफ गिवन सेट। समझ आया? लिखें लिखें पावर सेट में, इट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, इट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट Set of all the subsets of a given set. It is the set of all the subsets of a given set. It is denoted by. It is denoted by. P, bracket में वो set P of A or 2 to the power A. ये दोनों में से कोई symbol use करेगा वो. P of A or 2 to the power A. मतलब समझ जाना कि power set की बात कर रहा है वो. एग्जाम्पल के तौर पे वही एग्जाम्पल उठा लेते हैं फिर से, या फिर चलो नया ले लेते हैं। कोई सेट है मान लो जिसके अंदर लिखा हुआ है ए ई आई ओ यू, आपसे बोला कि इसका पावर सेट लिखें, पावर सेट। तो पावर सेट का मतलब पी ऑफ ए, यानी कि एक बड़ा सा सेट जिसके अंदर इसके सारे सबसेट लिखते हैं। इसके सबसेट क्या क्या पॉसिबल है बच्चों बताओ? सबसे पहले तो फाइव, फिर ए, फिर ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू, और बोलते जाओ ए ई, ए आई, ए ओ। ये तुषार कपूर वाला लग रहा है मुझे, गोलमाल जैसे जैसे बोलता है वो, ए ई ए ओ, ए ई ए आई ए ओ ए यू, उसके बाद ई आई ई ओ ई ओ, और क्या बचा बोलो जल्दी जल्दी, ओ यू आई ओ आई यू, फिर ओ यू। हाँ तो डॉट 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 मार दे, डॉट 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 लिख देता हूं, समझदार हो तुम लोग। तो कोई बोले कि नंबर ऑफ पावर, इसमें एलिमेंट्स कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए क्या सेम ही होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए क्या ये भी 2 टू द पावर एन के बराबर ही होगा? जितना सबसेट आता है उतना ही एलिमेंट रहता है इसमें, तो 2 टू द पावर 5 यानी कि 32 एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। नोट करते जाएं। यानी कि जितने सबसेट्स होते हैं किसी सेट के उन सब का सेट पावर सेट कहलाता है। अब तुमको समझ में आएगा, अगर कोई सेट है फाई जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, बच्चों एक मिनट देखना जरा बोर्ड पे, कोई सेट है फाई एम्प्टी सेट है, तो जरा बताओ फाइव में अगर कर्ली ब्रैकेट लगा दूं, या फिर ऐसे सोचो कि तुमको बोलता कि इसका पावर सेट लिखो, इसका पावर सेट किसके बराबर आता? एक सेट जिसके अंदर इसका सबसेट, और फाइव का सबसेट कौन होगा? फाइव। यानी कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाइव किसको रिप्रेजेंट करता है? पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट। यस, ये सवाल पूछा जाएगा तुमसे कभी ना कभी, स्कूल में वाला कोई ना कोई टीचर पूछ ही लेगा, तो बता देना उसको है। देखो बच्चे, ये चाहे ये दोनों सेम ही चीज है बच्चे, मैंने बताया ना फाई को हम ये फाई को, तो अजीब लगने से बचने के लिए हम ये लिख देते हैं। कोई उपाय नहीं है, कोई बेवकूफ बना सकता है तुमको, जरा बताओ ये क्या है, ये क्या है, तो बता तो पाओगे ना कि ये एक एम्प्टी सेट का पावर सेट है। तो इसके नीचे लिख लेना एक लाइन, पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट।
नेक्स्ट अगला पॉइंट जो भी हो, इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स इसमें लिखें, दो सेट को इक्वल कब बोलेंगे, जब एक सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में हो और साथ ही साथ बी का भी सारा एलिमेंट ए में हो, तभी हम दोनों सेट को इक्वल सेट बोलते हैं। तो लिख लो एक लाइन, सेट ए एंड सेट बी, कैपिटल्स में, सेट ए एंड सेट बी आर सेट टू बी इक्वल, सेट ए एंड सेट बी आर सेट टू बी इक्वल इफ इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए आर इन सेट बी एंड ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी आर ऑल्सो इन सेट ए, सेट ए एंड सेट बी आर सेट टू बी इक्वल इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए आर इन सेट बी एंड ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी आर ऑल्सो इन सेट ए। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है। हाँ, ये जरूर लिख लेना कि ए इज सबसेट ऑफ बी और साथ में बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल किया, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी, तब हम बोलते हैं कि वो दोनों सेट बराबर होगा। यानी कि ए बी का सबसेट होना चाहिए और साथ ही साथ बी जो है वो ए का सबसेट होना चाहिए, मतलब बी का सारा एलिमेंट ए में लाई करना चाहिए, ए का सारा एलिमेंट बी में लाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए इक्वल टू 1, 2, 3 बोल दे, बी इक्वल टू 3, 2, 1 बोल दे, ये दोनों भाई भाई है, तो हम बोलेंगे ए और बी जो है इक्वल सेट से। तो इक्वल सेट होने का कंडीशन यही है बच्चों। बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चे, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट हेडिंग लगाएं प्रॉपर सबसेट, अगले पॉइंट में जो भी हो डालते जाना आप लोग, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट को समझने के लिए बहुत सिंपल कहानी है, पहले जैसा कहानी है। जैसे सेट ए है, सेट ए में ले लिया मैंने 1, 2, 3 और सेट बी में ले लिया मैंने सपोज 2, 3, 1, 4, 5 ऐसा। तो क्या देख रहे हैं हम कि ए का जितना एलिमेंट है 1, 2, 3 वो सारा का सारा सेट बी में अवेलेबल है, लेकिन बी में कुछ ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट ए में नहीं है, दिखाई दे रहा है ना, 4 और 5। तो अगर ऐसा सिचुएशन हुआ कि ए का सारा एलिमेंट तो बी में है लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए में नहीं है, देन सेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। यानी कि इतनी सी बात है, ए जो है वो बी का बच्चा है, बी बाप है, तो ए बेटा है, बी में थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, लिख लो एक लाइन लिख लो इसमें, सेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, सेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एलिमेंट ऑफ सेट बी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एलिमेंट्स ऑफ सेट बी एंड सेट बी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट बी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। और इसका सिंबल होता है वो इक्वलिटी साइन जो था वो हट जाएगा, ए ये सी वाला सिंबल, बी ये है प्रॉपर सबसेट का सिंबल बच्चों, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एग्जाम्पल में ये लिख लेना, प्रॉपर सबसेट, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, नाम ही बोल रहा है यूनिवर्सल, यानी कि वो सेट जो सबसे बड़ा है।
वो सेठ जो सारे सेठ का बाप है, जिसके सारे बच्चे हैं, यानी कि जितने भी सेठ सारे हैं दुनिया में, जैसे ए ई आई ओ यू सेट ऑफ वॉवेल्स जो है, उसका बाप कौन होगा? सेट ऑफ अल्फाबेट्स, जिसमें ए से लेके जेड तक आ रहा होगा, उसी का तो सबसेट बनेगा ये, है ना। तो जितने भी सेट्स होते हैं दुनिया में, उन सबका कोई ना कोई बाप होता है, यानी कि किसी न किसी से वो निकल के आया है दुनिया में, किसी न किसी का वो सबसेट है। तो वो जो सबसे बड़ा वाला सेट है, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, बात लिखो, एक लाइन लिख लो। ऑल दी सेट्स अंडर कंसिडरेशन, ऑल दी सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर लाइकली टू बी, ऑल दी सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर लाइकली टू बी सबसेट ऑफ अ सेट, आर लाइकली टू बी सबसेट ऑफ अ सेट विच इज नोन एज यूनिवर्सल सेट, which is known as universal set, and it is denoted by omega s u। ये तीन सिंबल है इसका, ये कैपिटल U है बच्चों, हम ज्यादातर U को यूज करेंगे। इट इज डिनोटेड बाई ओमेगा, कैपिटल S और कैपिटल U। फॉर एग्जाम्पल लिख लो। हाँ बिल्कुल, ओम ही है बच्चे, ये रेजिस्टेंस वाला, फिजिक्स में ये ओम बन जाता है, मैथमेटिक्स में ओमेगा बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल के लिए लिख लो, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ वॉवेल्स ए ई आई, फॉर सेट ऑफ ऐसे लिखना, फॉर सेट ऑफ वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, द यूनिवर्सल सेट विल बी the set of alphabets, for set of vowels a e i o u the universal set will be set of alphabets a b c d dot 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 x y z। तो इसके लिए ये universal set का काम करेगा। Next, union of set। हाँ बोलो बच्चे, इन्फिनिटी नहीं आएगा बच्चे, वेल डिफाइंड इन्फिनिटी नहीं आ सकता है, ठीक है ना। इन्फिनिटी वेल डिफाइंड, पहला लाइन ही हमने लिखा है वेल डिफाइंड, जो अच्छे से डिफाइंड हो, ठीक है। यानी कि सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हो, हम उनको अच्छे से जानते हो, कहने का मतलब यह है कि हमें उसके बारे में पता हो। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन मतलब, अब देखो यूनियन आ गया, तुम लोग लास्ट क्लास परेशान हो रहे थे। यूनियन मतलब बच्चे मिला देना, यानी कि इसका भी उसका भी, दोनों का यूनियन, यानी कि दोनों के जो एलिमेंट्स है मिला दिए। ए और बी का यूनियन का मतलब ए में जो एलिमेंट्स है वो भी ले लिया, बी में जो एलिमेंट है वो भी ले लिया, तो एक नया सेट बन गया जिसको हम लोग ए यूनियन बी के नाम से जानेंगे। समझ गए? लिखो, यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी, union of sets capital A and capital B is the set of all those elements, union of sets A and B is the set of all those elements which are either in A or in B or in both, which are either in A or in B or in both, and it is denoted by A union B या फिर A plus B, दोनों इसी का सिंबल है, तो हम लोग इसको यूज करेंगे A union B को। तो A union B को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाए तो A union B हो जाएगा X such that X belongs to A or X belongs to B। यानी कि x जो है a यूनियन b का जो एलिमेंट है वो या तो a का एलिमेंट होना चाहिए या तो b का एलिमेंट होना चाहिए। अरे समझ रहे हो ना मेरी बात?
जैसे एक सेट है ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 और b इक्वल टू एक सेट है 2 एंड 4, बताओ जरा a यूनियन b क्या होगा? 2 एंड 6, 2 एंड 6 ले लो, 2 एंड 6 ले लिया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को लिख लो। और सेट में पता ही है रिपीटेशन नहीं होता है, तो ये नहीं कि 2 दो बार था तो दो बार लिखो, नहीं, एक बार, किसी का एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन का मतलब बच्चे जो दोनों में कॉमन हो, समझ रहे हो? जैसे दो सेट अगर ए और बी की बात कर रहे हैं तो उनके इंटरसेक्शन का मतलब है कि हमें वो एलिमेंट्स लेना है जो ए में भी है और साथ साथ किस में है, बी में भी है, यानी कि दोनों का जो कॉमन एलिमेंट्स है। तो लिख लो एक लाइन इसमें भी लिख लो समझने के लिए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी, विच आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी, विच आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी एंड इट इज डिनोटेड बाई ए, ये सिंबल है इसका, यू को उल्टा कर दो, ए इंटरसेक्शन बी, या फिर इसको ए बी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो एक्स सच दैट, प्रॉपर्टी क्या होगा इसका, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, एंड आने का मतलब एक्स जो है वो ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो ए एक सेट है मान लो 1, 2, 3, 4, 5 और बी एक सेट है 2 और 6, तो इस बार ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा बच्चों, 2, जो दोनों में है बस वही आएगा। हो गया? अरे सबका हो गया ना, सो तो नहीं गए? हाँ, एक और लिखो, डिसज्वाइंट सेट, डिसज्वाइंट सेट्स, डिसज्वाइंट सेट्स ऐसे सेट्स जिनके बीच में कुछ भी कॉमन एलिमेंट ना हो उनको डिसज्वाइंट सेट बोलते हैं बच्चों। ए और बी आर सेट, लिख लो एक लाइन, सेट ए एंड सेट बी आर सेट टू बी डिसज्वाइंट, सेट ए एंड सेट बी आर सेट टू बी डिसज्वाइंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, सेट ए एंड सेट बी आर सेट टू बी डिसज्वाइंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। अगर नो कॉमन एलिमेंट्स होगा तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना आना चाहिए बच्चों, 5। बस यही याद रखने वाली चीज है कि अगर ए और बी डिसज्वाइंट सेट है तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा 5 मिलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा उनके बीच में। तो लिख लो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। नेक्स्ट लिखें डिफरेंस, थक जाओ तो बोल देना, थक गए क्या? डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, एक लाइन लिख लो फिर बताता हूं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए,
सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच डू नॉट बिलोंग्स टू सेट बी. सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए. सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच डू नॉट बिलोंग्स टू सेट बी. विच डू नॉट बिलोंग्स टू सेट बी इज नोन एज डिफरेंस ऑफ ए एंड बी. इज नोन एज डिफरेंस ऑफ ए एंड बी एंड इट इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी. इट इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी. क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं सर. डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी. अब इसका मतलब देखो, मैं समझाता हूं. जैसे मान लो एक सेट दिया हुआ है तुम्हारे सामने 1, 2, 3, 4, 5 और एक सेट बी दिया हुआ है बच्चों 1, 6, 7, 3, 9, 11 ऐसा. तुमसे बोला कि ए माइनस बी निकालो. तो ए माइनस बी निकालने के लिए तुमको क्या करना है? सेट ए का वो एलिमेंट जो सेट बी में नहीं है. बताओ कौन कौन है सेट ए का एलिमेंट जो सेट बी में नहीं है? 1 है. 2 है क्या? नहीं है. तो यहाँ 2 आएगा. 3 है क्या इसमें? है. तो नहीं आएगा. 4 है क्या? नहीं है. तो 4 आ गया. 5 है क्या? नहीं है. यानी कि सेट ए का वो एलिमेंट लेना है जो सेट बी में नहीं है. तो अगर कोई बोलता है कि बी माइनस ए क्या होगा, बताओ जरा. बी माइनस ए 6, 7, 9, 11 जो कि सेट ए में नहीं है. इधर आ गया 6, 7, 9, 11. क्या मेरी बात समझ में आ रही है डिफरेंस का मतलब? तो अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाए तो ए माइनस बी का मतलब होगा बच्चों एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी. ए में तो होना चाहिए, बी में नहीं होना चाहिए. और अगर कोई बोले बी माइनस ए का मतलब तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए. लिखते जाएं, समझते जाएं, सुनते जाएं. बहुत ही आसान कहानी है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. नोट करें. कुणाल ये ब्लर हो गया, देखे तो नहीं हुआ, छोड़ दीजिए. अच्छा कोई नहीं बच्चे, हो गया. अब और नहीं पढ़ाऊंगा आज के लिए, ठीक है? टेंशन मत लो, सारा टेंशन ही खत्म कर देता हूँ. ये लो, अब मैं थोड़ा बहुत ब्लर दिख रहा हूँ तो क्या फर्क पड़ता है. हो गया यहाँ तक किसी? हाँ, खाना अभी खाएंगे जाके. तुम लोग खा लिया ना खाना वाना? किसी के घर मुर्गा वर्गा बनाया क्या? मुर्गा मटन किसके घर? नाम बताओ, नाम बताओ. प्रत्युष, प्रत्युष. हाँ नीलांजन, एड्रेस बताओ. नारंगी में कहाँ? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट गेट. अच्छा फॉरेस्ट कैंपस.